नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की, जहां पे बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी से करीब 3 करोड़ से अधिक कीमत का सोना लूट लिया और विरोध करने पर बदमाशों ने कंपनी के मैनेजर के सिर पर पिस्टल मारकर घायल कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में वारदात कर करोड़ों का सोना लूट लिया। वारदात से पुलिस महकमे और इलाके में सनसनी फैल गई है। लूटे गए सोने की कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बताते चले कि मेरठ में एसएसपी, एसपी सिटी और एसपी देहात का तबादला हो गया है। हाल ही में नए एसपी सिटी और एसपी देहात ने ज्वाइन करके प्रभार संभाला है, लेकिन अभी जिला बिना कप्तान के ही चल रहा है और ऐसे में बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे डाली है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाश अचानक गोल्ड लोन कंपनी के दफ्तर में दाखिल हुए और हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। इस दौरान बदमाशों ने करीब 3 करोड़ रुपए का सोना और नकदी की लूट कर ली, जिसके बाद बदमाशों ने सड़क पर भागते हुए एक राहगीर को बट मारकर घायल कर दिया और उसकी मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल और एक बैग बरामद किया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस गोल्ड लोन के दफ्तर में लगे सीसीटीवी के अलावा आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो को चेक कर रहे हैं। इसमें जैसा कि लोगों को बताना है, जो लग रहा है दो बदमाश आए, इन्होंने यहाँ के 3 कर्मचारी हैं, इनको रजिस्टर लगा के एक किनारे किया और धमकी के आधार पर करा के लगभग, जैसा कि लोगों को बताना है, 15 किलो के लगभग के जेवरात सोने के यहाँ से लूट लिए। फुटेज के आधार पर हम लोग देख रहे हैं और जो भी सारी चीजें हैं उसको देख के इस पे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई जी 15 किलो का मतलब करोड़ों की, हाँ जो भी है 15 किलो का मतलब 15 किलो। सारी चीजें देखी जा रही है, मार्केट है यहाँ से, इस तरीके से घटना करके निकलना भी बड़ा ही विचित्र चीज है और देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। नावड़ का पूरा प्रयास किया जाए, कैश के लिए कर्मचारियों ने बताया कि कैश नहीं ले गए, बहरहाल आपको बता दें कि इस घटना के बाद एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गए हैं। टीम सीएमएन। हरियाणा के पानीपत की बात करते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से गांव चुलकाना में कूड़ा बिन रहे करीब 13 वर्षीय बच्चा जख्मी हो गया। लोगों द्वारा उसे समालखा के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके साथ कूड़ा बिन रहे 2 अन्य बच्चे बाइक सवारों के होने की बात कह रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बयान दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। काल का दूसरी पंटिया भी नहा दी। अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? ये पैंट ढूंढ के लाओगे? ढूंढ के कहां से लाए अब हम पैंट? कहां जाएंगे ढूंढने के लिए? क्या नहीं जाने देखा तो खात कौन था के लोग हो? मैं माही में इतना कुछ नहीं रहा, टेंपो का खात खड़ा था मैं, तो वो मेरे को गोली चला रहा। कौन गोली चला रहा था बेटा? वो लड़के को चला रहा था मेरे को। कौन लड़के थे? क्या पता कौन थे, वो हमारे घर पर रहते हैं। तुम्हारे घर पर रहते हैं तो वहाँ क्या नाम है? अब लड़के कितने थे जो गोली चलाने वाले? कितने लड़के थे? 3 थे। 3 लड़के थे? 3 लड़के थे बेटा। क्या क्या कर, वहाँ कैसे चले गए तेरे पास तुझे मारने के लिए, गोली मारने के लिए? नहीं वो खड़े थे पहले थे। खड़े थे पहले से? अच्छा फिर उन्होंने क्या बोला आपसे? कुछ नहीं बोला। अच्छा तो फिर बाइक चला के भाग गए। लोगों के लिए आतंक का पर्याय बने अंत जनपदीय शातिर लुटेरों को कौशाम्बी पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये लुटेरे नेशनल हाईवे पर राहगीरों को अपना निशाना बनाया करते थे। मंझनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। मलवा थाने क्षेत्र में एक लूट की घटना चली थी
जिसमें पेप्सी बनाने वाली कंपनी के मशीन आदि को छीना गया था। इस संबंध में 3 अभियुक्तों को मंझनपुर एवं एसओजी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इनके पास से टवेरा गाड़ी जो लूट में शामिल थी, इसके अलावा जो मशीन के पार्ट्स लूटे गए थे वो, और नॉर्कोटिक्स का काफ़ी सामान, गांजा आदि भी मिला है, तमंचा मिला है, और इन्हें समुचित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नवविवाहिता की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग करते हुए मृतका के ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाने लगे। वहीं जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर आई और पीड़ित परिवार को मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये पाटन की रहने वाली महिला है और इसकी शादी अभी यहाँ पे गौर नदी के पास में हुई थी, गौर चौकी के पास में, नेहा चौधरी। अभी इसकी 21 जनवरी को शादी हुई थी और आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। ऐसा सस्पिशन है डॉक्टर का कि पॉइजनिंग के कारण हुई है डेथ। तो मामला सुनने में कायम करके डायरी आपने भेज दी है? हाँ, वहाँ से गौर चौकी से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ गए हैं और प्रारंभिक संपूर्ण कार्रवाई करा ली गई है। FSL की जो मैडम है उन्होंने भी जाँच कर ली है और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उन्होंने भी जाँच कर ली है। और अभी परिजनों के बयान से ऐसा लग रहा है कथनों से कि महिला परेशान थी ससुराल में। बॉडी PM के लिए रवाना कर दी गई? हाँ, बॉडी रवाना कर दी गई। कल सुबह PM हो जाएगा। PM होने के बाद स्थितियाँ और स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।